हेलो मैम, आज करंट विशेषांक सीरीज में हम भारत और अमेरिका के मध्य हुए 2+2 वार्ता के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जानेंगे कि 2+2 वार्ता से का तात्पर्य क्या है, भारत और अमेरिका के मध्य हुए कौन कौन से समझौते हैं, इनका क्या महत्व है, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा और भारत अमेरिका के संबंधों के भविष्य के अन्य किन क्षेत्रों में सहयोग की स्थिति देखी जा सकती है। सबसे पहले आइए यहाँ पर समझते हैं इस सीरीज में 2+2 वार्ता से तात्पर्य। देखिए, 2+2 जो वार्ता होती है किसी भी दो देशों के मध्य होती है और यहाँ पर दोनों ही देशों के शीर्ष दो मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 2+2 वार्ता का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले जापान के द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों के में जिस तरीके से राजनयिक संबंध या 2+2 वार्ता को इन्होंने प्रारंभ किया, ये कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने राजनीति और रक्षा संबंधों के दृष्टिकोण से ये वार्ता उन्होंने प्रारंभ की। शुरुआती समय में इन्होंने अमेरिका, फ्रांस, रूस के साथ ये संबंध प्रारंभ किए, 2+2 वार्ता को प्रारंभ किया। भारत और जापान के संबंध 2002 से द्विपक्षीय स्तर पर बहुत बातचीत को यहाँ पर उन्होंने प्राथमिकता देना शुरू किया और इसी के प्रगाढ़ संबंधों के दृष्टिकोण में 2019 में भारत और जापान ने भी 2+2 वार्ता को प्रारंभ किया। बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर यह समझ लीजिए 2+2 वार्ता में दो तरीके की वार्ताओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। एक है यहाँ पर राजनयिक और राजनीतिक, और साथ ही साथ यहाँ पर रक्षा। इन दो संबंधों के दृष्टिकोण से यहाँ पर बातचीत की जाती है और उसके माध्यम से चीजों को सरल बनाया जाता है और उन्हें समझौतों की ओर लेकर आगे बढ़ाया जाता है। भारत और अमेरिका के मध्य भी जो समझौते हुए हैं, यहाँ पर उसमें जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता का दौर कब से प्रारंभ हुआ। 2018 में यहाँ पर भारत और अमेरिका ने 2+2 वार्ता को यहाँ पर प्राथमिकता दी, मंजूरी दी, जिसके बाद 2018 में पहली यहाँ पर 2+2 वार्ता हुई, 2019 में दूसरी और 2020 में इस वर्ष यहाँ पर ये इन दोनों देशों के मध्य होने वाली ये तीसरी 2+2 वार्ता है। यहाँ पर अगर पार्टिसिपेट्स की बात करें तो अमेरिका की तरफ से मार्क एस्पर, उनके रक्षा मंत्री, और साथ ही साथ यहाँ पर माइक पोम्पे, उनके विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। तो भारत की तरफ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री के रूप में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आइए समझते हैं कि यहाँ पर ये तो हो गए 2+2 वार्ता के बारे में। इस 2+2 वार्ता के दौरान यहाँ पर जो घोषणा की गई कि भारत और अमेरिका के मध्य 5 अहम मुद्दों पर समझौते किए गए, तो ये 5 मुद्दे कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए। यहाँ पर पहला समझौता हुआ जो रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड बेका समझौता, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम। दूसरा है पृथ्वी पर्यवेक्षण और पृथ्वी विज्ञान के लिए समझौता, जहां पर पृथ्वी से संबंधित उनके पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन को लेकर और अर्थ साइंस को समझने को लेकर दोनों ही देशों के मंत्रालयों, जो कि यहां पर अर्थ कह सकते हैं, पृथ्वी मंत्रालय भारत का है और रक्षा अनुसंधान से रिलेटेड है यहां पर, तो उन सारे क्षेत्रों को लेकर यहां पर एक समझौता किया गया। सीट यहां पर परमाणु ऊर्जा, जो तीसरा जो समझौता था, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देने के लिए दोनों ही देशों के मध्य यहां पर एक वैश्विक केंद्र बनाने की बात हुई है, जिसको लेकर परमाणु ऊर्जा भागीदारी वैश्विक केंद्र को लेकर समझौता हुआ है। तीसरा समझौता यहाँ पर दोनों ही देशों के मध्य जो पोस्टल ऑपरेटर्स हैं उनकी जानकारी को, अर्थात उनके कस्टम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहां पर एक्सचेंज को लेकर समझौता किया गया है। और पांचवा जो समझौता है वो आयुर्वेद और साथ ही साथ कैंसर के इलाज के संदर्भ में दोनों ही देशों के एक संयुक्त यहाँ पर शोध संस्थान अनुसंधान को बढ़ावा देने को लेकर समझौता किया गया। तो ये 5 प्रमुख और अहम समझौते हुए हैं 2+2 वार्ता के दौरान। इसके अतिरिक्त 2+2 वार्ता के पश्चात यहाँ पर दोनों ही देशों के द्वारा यहाँ पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों के बारे में चर्चा की है। तो उसको भी समझ लेते हैं किन किन चीजों को वहां पर इस घोषणा पत्र में प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहली चीज यहाँ पर, जो पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने और अन्य देशों को इसमें सम्मिलित करने को कहा गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र अर्थात हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य जो भी देश यहाँ पर इस दोनों ही टेरिटरी में आते हैं, वहां पर जो भी भौगोलिक स्तर पर जो भी देश इसके अंतर्गत हैं, उनके मध्य यहाँ पर एक सहयोग को प्राथमिकता देनी है, जिसका हम कहते हैं उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं क्वाड की परिकल्पना को, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग यहाँ पर देखा गया। एक क्वाड ग्रुप को बनाया गया है जो कि यहाँ पर हिंद और प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त देशों के रूप में हम इनके सहयोग को देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण कह सकते हैं समझौता या एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर आई है, हिंद महासागर में भारत के सूचना केंद्र में अमेरिकी नौसेना के अधिकारी की नियुक्ति को यहाँ पर इस समझौते में मंजूरी दी गई है। साथ ही दूसरी चीज यहाँ पर अमेरिका के जो बहरीन में उनका एक अमेरिका का केंद्र है, वहां पर एक भारतीय नौसैन्य अधिकारी की नियुक्ति। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही देशों के द्वारा अपने अपने नौसैन्य केंद्रों पर यहाँ पर अपने दूसरे एक दूसरे देशों के सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो कि इनके विश्वास बहाली को और सैन्य सहयोग के स्तर को एक नए स्तर पर लेकर जाता है।
तीसरा यहाँ पर इन्होंने एक मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप को यहाँ पर प्राथमिकता दी है, जो दोनों ही देशों के मिलकर यहाँ पर एक मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप बनाया जाएगा और इसकी जो बैठक है 2021 में संचालित होगी, जिसके अंतर्गत दोनों ही देशों के मध्य विभिन्न प्रकार के रक्षा सहयोगों को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके अंतर्गत युद्धाभ्यास भी शामिल होंगे, साथ ही वहाँ पर एक दूसरे के सैन्य जो होती हैं जानकारियों को साझाकरण को लेकर किस तरीके की प्रक्रियाएँ होंगी, उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। तीसरा चौथा जो पॉइंट इसमें इस घोषणा पत्र के अंतर्गत कहा गया है कि भविष्य की महामारियों से मुकाबले हेतु दोनों देशों के मध्य एक सहयोग हेतु तो समझौते को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इन फ्यूचर जिस तरीके से COVID-19 का इम्पैक्ट पड़ा है, इसके लिए विश्व तैयार नहीं था और ना ही कोई देश एक दूसरे को किस तरीके सहयोग को लेकर किस तरीके से कार्य करेंगे इसको लेकर, तो ऐसी भविष्यगत स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने इस बात को भी प्राथमिकता दी है कि COVID-19 जैसी महामारियों के विरुद्ध हम भविष्य में एकजुट होकर प्रयास करें और उसके लिए दोनों ही देशों के मध्य एक सहयोग समझौते को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला के वैश्विक ढांचे के निर्माण को लेकर यहाँ पर बात की गई है। दो इम्पॉर्टेंट जो देश हैं, इन दोनों ही देशों के मध्य जो समझौते हुए, इस परिदृश्य भी देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण था कि चीन को लेकर और पाकिस्तान को लेकर ये देश क्या रुख अपनाते हैं। संयुक्त घोषणा पत्र में वहां पर दोनों ही देशों ने यहां पर चीन को विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाया और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी। जहां पर चीन के खिलाफ यहां पर अगर हम देखें तो चीन के विरुद्ध भारत और अमेरिका के सहयोग को वहां पर प्राथमिकता दी। साथ ही यहां पर माइक पोम्पियो ने कहा कि यहां पर भारत को इस स्थिति में अकेला और असहाय न समझा जाए, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़ा है। ये वक्तव्य अपने आप में ये दर्शाता है कि यहाँ पर दोनों ही देश एक दूसरे के लिए यहाँ पर सहयोग के दृष्टिकोण से देखते हैं और किसी भी परिस्थिति में अमेरिका जो होता है भारत का साथ देने के लिए तैयार है। साथ ही चीन को भी कड़ी चेतावनी देता है कि चीन अपनी जो इस तरीके का आक्रामक रवैया अपना कर रखता है वो उसके लिए ठीक नहीं है, ना ही यहाँ पर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान के विरुद्ध भी जो आतंकवादी गतिविधियां लगातार वो संचालित करता रहा है, उसके विरुद्ध भी यहाँ पर एक कड़ा रुख दोनों ही देशों ने अपनाया है, जिसके लिए कहा गया कि पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो भी यहाँ पर भारत में पिछले कुछ समय में जो हमले हुए, चाहे वो मुंबई का हो चाहे वो उरी हमला हो, उन सभी हमलों के लिए जो उनके दोषी हैं उनको वहाँ पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सजा देने के लिए वहाँ पर अमेरिका के द्वारा कहा गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो घोषणा पत्र में कई अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक विस्तार से बातें की गई हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस 2+2 वार्ता में। तो यहाँ पर हमने देखा कि अमेरिका भारत और अमेरिका के इस 2+2 वार्ता क्या है, इसके मध्य अहम समझौते कौन से हैं और जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया उसके मेन बिंदु क्या है। अब यहाँ पर हम समझते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू था इस समझौते में, जो पहला समझौता है बेका समझौता। यहाँ पर इन दोनों ही देशों के मध्य जो पूरे ये 5 समझौते हुए, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रक्षा समझौता था, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत इस समय देखें तो चीन के विरुद्ध यहाँ पर लद्दाख के क्षेत्र में दोनों के देशों के मध्य एक तनातनी की स्थिति है, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ भी वहाँ पर लगातार स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं। इस दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट था रक्षा समझौता, लेकिन ऐसा ये भारत और अमेरिका के मध्य हुए पहला रक्षा समझौता नहीं है। ये भारत और अमेरिका के मध्य अंतिम अर्थात 4 महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों में से अंतिम रक्षा समझौता था। तो आइए आपको समझाते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य अब तक हुए कितने रक्षा समझौते हैं और उनका क्या महत्व है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, ये भारत और अमेरिका के मध्य 4 अहम रक्षा समझौते हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो करंट का एक विषय है बेका समझौते के बारे में आप समझ लीजिए। बेका समझौता जो है ये भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच यहाँ पर एक भू स्थानिक सहयोग को लेकर किया गया समझौता है। सन ध्यान रखिएगा 2020 में, इस साल इसी समझौता किया गया है। दूसरा, इस समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में और निम्नलिखित तरीके की सहयोग की यहाँ पर बात की गई है, जैसे कि क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देता है ये समझौता। दूसरा, रक्षा सूचना साझा करेंगे इसके माध्यम से, अर्थात एक दूसरे देशों की जो डिफेंस को लेकर जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो साझा की जाएंगी। सैन्य बातचीत को वहां पर एक दूसरे के, अर्थात एक दूसरे देशों की सैन्य सेनाएं द्वारा एक दूसरे के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा से रिलेटेड व्यापार समझौते को प्राथमिकता भी यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही आधुनिक रक्षा तकनीकी यहाँ पर हस्तांतरित अमेरिका के द्वारा भारत को की जाएगी। तो इस तरीके से बेका जो समझौता है वो दोनों ही देशों के भूस्थानिक सहयोग को प्राथमिकता देता है, साथ ही यहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य विभिन्न प्रकार के सहयोगों को भी प्राथमिकता देता है। आधुनिक तकनीकी और व्यापार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।
इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सन ध्यान रखिएगा 2020। लेकिन जैसा हमने कहा, बेका भारत और अमेरिका के मध्य चार प्रमुख रक्षा समझौते में अंतिम रक्षा समझौता था। तो इससे पहले भी तीन समझौते हो चुके हैं। इसमें 2016 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था लिमोवा। लिमोवा इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत चार तरीके के मुख्यतः सहयोग को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें पोर्ट कॉल जो आपके बंदरगाह होते हैं, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत को यहाँ पर एक दूसरे देशों के द्वारा यहाँ पर सहयोग और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही भारत अमेरिकी सेनाओं की एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को ये आसान बना देता है। अर्थात वो दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं एक दूसरे के पोर्ट इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के वहां पर साजो सामान को प्रयोग कर सकते हैं, ईंधन इत्यादि आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि भारत है ईंधन की आपूर्ति समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना से कर सकता है, या अमेरिकी जो जहाज है वो भारतीय नौसैनिक जो होते हैं कि जहाजों से वो तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। तो इस तरीके के सहयोग यहाँ पर लिमोवा के अंतर्गत किए गए हैं। दूसरा समझौता, तीसरा जो समझौता है वो कॉमकासा। ये समझौता 2018 में हुआ है। इस समझौते का जो फुल फॉर्म यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत यहाँ पर इनक्रिप्टेड जो सूचनाएं हैं जो वहां पर और संचार प्रणाली को यहाँ पर हस्तांतरित किया जाएगा, अर्थात कि गोपनीय जो सूचनाएं हैं या फिर इनक्रिप्टेड जो सूचनाएं हैं वहां पर साझा किए जाएंगे एक दूसरे से। उच्च तकनीकी वाले सैन्य उपकरणों को साझा किया जाएगा। सैन्य हार्डवेयर और सशस्त्र ड्रोन की अमेरिका के द्वारा भारत को आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और उच्च सुरक्षा वाले संचार उपकरण भारत को प्रदान किए जाएंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कॉमकासा जो मूलता है कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र को लेकर जो कि बहुत ही उच्च तकनीकी के सशस्त्र हैं या हथियार हैं या फिर आपके रक्षा उत्पाद हैं उनको यहाँ पर लेकर यह समझौता है, जहां पर अमेरिका के द्वारा भारत को उच्च और आधुनिक तकनीकी के शस्त्र हथियार संचार प्रणाली और अन्य तकनीकी सहायता यहाँ पर भारत को प्रदान की जाएंगी। चौथा यहाँ पर है जीएसओ एमआईए। ये समझौता सबसे पहला समझौता था भारत और अमेरिका के मध्य सन 2002 में, और ये समझौते के अंतर्गत इसका जो फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत 2002 में भारत और अमेरिका के मध्य ये हुआ प्रथम समझौता था जिसमें खुफिया सैन्य सूचनाओं के सामान्य सुरक्षा को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी। अर्थात जो सूचनाएं एक दूसरे को साझा की जाएंगी, सैन्य सूचनाएं होंगी, और वो खुफिया सैन्य सूचनाएं को किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा इसको लेकर यहाँ पर एक समझौता किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए चार समझौते हुए। सबसे पहला जो समझौता हुआ 2002 में हुआ जीएसओ एमआईए, यहाँ पर सैन्य सूचनाओं को खुफिया जानकारियों को संदर्भ में किया गया। उसके बाद यहाँ पर 2016 में लिमोवा, 2018 में कॉमकासा और रिसेंट में आपको बेका, ये चार समझौते किए गए। तो यहाँ पर हमने समझा भारत और अमेरिका के मध्य हुए चार रक्षा समझौतों के बारे में। अंतिम पार्ट में हम इस वीडियो में ये समझ लेते हैं कि ये जो 2+2 वार्ता हुई इसके कारण जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में बातें हो रही हैं तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में, और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो रक्षा संबंधों के इतर अन्य किन किन क्षेत्रों में सहयोग के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देख लेते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस 2+2 वार्ता का किस तरीके से हम इफेक्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर दोनों ही देशों के द्वारा बहुत ही ज्यादा जोर देकर कही गई है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो होता है स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण, समृद्ध क्षेत्र के रूप में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप देशों की संप्रभुता व विवादों का शांतिपूर्ण समाधान को दोनों ही देश यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। अर्थात जो वर्तमान समय की विवादित स्थितियां हैं उनको वहां पर वो कहते हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे देशों की संप्रभुता को ख्याल रखना चाहिए और इस क्षेत्र में वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न न होने पाए, या ऐसा ना कहा जाए ये मेरा क्षेत्र और उसके कारण तनातनी हो। दूसरा, दक्षिण चीन सागर पर किसी एक देश के अधिकार को यहाँ पर दोनों ही देश नकार देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से चीन ने दक्षिण चीन सागर को अपना एकाधिकार का क्षेत्र मानता है और वो विभिन्न देशों से उसके विवादित स्थितियां चल रही हैं, वहां पर दोनों ही देशों ने इस क्षेत्र को व्यापार इत्यादि के दृष्टिकोण से और अन्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से भी इसे स्वीकार्य नहीं बताया है। तीसरा, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग क्षेत्र शांति है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र की शांति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से भारत और अमेरिका ने यहाँ पे चार अलग अलग समझौते किए हैं वो समझौते चीन के दबदबे वाले इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं
काउंटर अटैक कर सकते हैं और अन्य देशों को भी ये कहीं ना कहीं ये एक विश्वास उत्पन्न होगा कि एशिया की दूसरी जो सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर भारत को देखते हैं, वहां पर अमेरिका को, अमेरिका का पूरा सहयोग भारत को है। इससे यहाँ पर अन्य देशों को भी एक कह सकते हैं कि वहां पर मजबूती मिलेगी कि हाँ वो भारत के साथ मिलकर चाइना को यहाँ पे काउंटर अटैक कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो चौथा पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वाड ग्रुप देशों के मध्य अधिक सहयोग समझौते को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। जिस तरीके से भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध भी विकसित हुए हैं, उसी तरीके से चारों ही देश मिलकर क्वाड ग्रुप के माध्यम से रक्षा और आर्थिक संबंधों को भी यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि मालाबार युद्धाभ्यास में चारों देशों की यहाँ पर एक सहयोग को ये दिखाता है कि ये देश जो होते हैं आर्थिक के साथ साथ रक्षा सहयोग में भी एक दूसरे का साथ देते हैं, और यदि ये चार देश एक दूसरे का सहयोग दें तो चीन को यहाँ पर आसानी से काउंटर अटैक किया जा सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र को भी विवाद मुक्त किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय हिंद प्रशांत व्यापार फोरम जो 2020 में होनी है, इसके माध्यम से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, अवसंरचना इत्यादि को यहाँ पर दोनों ही देश प्राथमिकता के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त आसियान देशों, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, जापान के साथ चीन के आक्रामक रुख के संदर्भ में भी भारत अमेरिका सहयोग यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत और अमेरिका का सहयोग अपने आप में बहुत ही अलग अलग पर्स्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अंततः आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और अमेरिका का जो ये सहयोग है ये सिर्फ रक्षा संबंधों की ओर ही है या अन्य विशेष क्षेत्रों में भी हम इसे देखते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को हम कई अलग अलग आयामों पर परख सकते हैं। सबसे पहले हमने रक्षा संबंध देखे तो चार तरीके के रक्षा संबंध इनके मध्य बेका, लिमोआ, कामकासा, जीएसओ, एमआईए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इन दोनों ही देशों में कई तरीके के युद्धाभ्यास हो रहे हैं और होने हैं, जैसे कि मालाबार युद्ध, वज्र, टाइगर, ट्रंप, इस तरह के कुछ युद्धाभ्यास हैं या होने हैं इन फ्यूचर में। कुछ रक्षा बैठक भी यहाँ पर हैं जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत अमेरिका के जो देश हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कांग्रेस, इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार, सीनियर एनलिस्टेड लीडर फोरम। ये सभी बैठकें इन फ्यूचर भारत यहाँ पर 2023 तक इनको कह सकते हैं इनका या तो आयोजक है या तो यहाँ पर उनका आयोजक स्थल के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ रक्षा उद्योग को लेकर भी यहाँ पर दोनों ही देशों के मध्य सहयोग हैं, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव को लेकर दोनों के मध्य समझौते हुए हैं, जिसके माध्यम से रक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों के उत्पादन को लेकर यहाँ पर रक्षा से संबंधित कंपनियों या उद्योगों को यहाँ पर एक संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से कार्य करने को प्राथमिकता देगा, जिसके लिए ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे दोनों ही देशों के मध्य। ये तो हमने देखा कि रक्षा को लेकर यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के इनके दोनों ही देशों के मध्य सहयोग हैं, लेकिन सिर्फ रक्षा ही इन दोनों देशों के मध्य सहयोग का मेन मुद्दा नहीं है बल्कि कई अन्य सारे भी हैं। जैसे कि अगर हम देखें आर्थिक सहयोग हेतु दोनों ही देशों के मध्य कई तरीके के व्यापार आसान पहुंच करने को लेकर हैं, बाजार के एक्सेस को सुलभ बनाने को लेकर है, जो टैरिफ संबंधी जो बाधाएं उसे दूर करना है, साथ ही यहाँ पर एक वैश्विक स्तर पर जो बाजार को लेकर एक उथल पुथल की स्थिति है वहां पर एक बेहतर साझा संबंध व्यापारिक संबंधों को यहाँ पर ये प्राथमिकता देते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका में कई अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर सहयोग स्थितियाँ बनती हुई देखी जा सकती हैं, जैसे कि तेल और गैस को लेकर भारत यहाँ पर अमेरिका से आयात करने को लेकर अब यहाँ पर बातचीत कर रहा है, साथ ही कुछ क्षेत्रों को वहाँ पर आयात करता भी है, इन फ्यूचर से और भी बढ़ाने की बात करता है। परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत और अमेरिका में नाभिकीय ऊर्जा समझौता हुआ है, साथ ही सौर ऊर्जा को लेकर दोनों ही देशों के मध्य पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी कार्य किया जा रहा है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर चार अलग अलग तेल भी है, प्राकृतिक गैस भी है, आपका परमाणु ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को भी प्राथमिकता देते हुए सहयोग करते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध भी दोनों ही देश यहाँ पर एक दूसरे को एक साझा दृष्टिकोण यहाँ पर रखते हैं। दोनों ही देश यहाँ पर आतंकवाद के विरुद्ध जो आतंकवादी संगठन हैं उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने, साथ ही FATF जैसी संगठनों के माध्यम से उन पर वित्तीय प्रतिबंधों की वहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। वैश्विक स्तर पर सहयोग हेतु यहाँ पर एक साझा एक फ्रेमवर्क तैयार करने को भी ये दोनों ही देश कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध एक बेहतर कार्यवाही करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर सभी देशों को मिलकर एक रणनीतिक स्तर पर कार्य करना होगा। साइबर क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों ही देशों के मध्य भारत अमेरिका साइबर वार्ता प्रारंभ हो चुकी है, जहां पर साइबर सुरक्षा को किस तरीके से हमें लेकर आगे बढ़ना है, किस तरीके तकनीकी का प्रयोग करना है, तकनीक स्थानांतरण को लेकर और अन्य प्रकार की जानकारियों को साझा करने को लेकर ये वार्ताएं होती हैं।
इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अमेरिका के द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में स्थायी सदस्यता को लेकर लगातार यहां पर मदद का आश्वासन भी देता रहा है और 2+2 वार्ता में भी इस चीज को दोहराया गया। इस तरीके से भारत और अमेरिका के मध्य हुई 2+2 वार्ता कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, न सिर्फ यहाँ पर द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि भारत के और अमेरिका के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषय क्षेत्रों के आधार पर भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण से और हिंद प्रशांत के क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह प्राथमिकता है। इस समय इसी वार्ता को लेकर चीन के द्वारा कुछ तरह वक्तव्य दिए गए कि यहाँ पर अमेरिका भारत और चीन के मध्य विवाद को कह सकते हैं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही देश शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों को सुलझाने में सक्षम है और यहाँ पर अमेरिका को इस तरीके की बातें या विवाद को उत्पन्न करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आज के विषय वस्तु को यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका का सहयोग चीन को जहाँ एक तरफ इस क्षेत्र में बढ़ने से रोक सकता है, वहीं अन्य देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए और रक्षा के क्षेत्र से वहाँ पर उन्हें शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए फिर इस कंटेंट इस ग्रुप में आज के विशेषांक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो विषय में हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कुछ अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।